सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो पीडीसी न्यूज़ ते मैं हाँ तुहाड़े नाल कावी बब्बर ते बुलेटिन की शुरुआत करांगे। अहम खबर दे नाल जो सीधा आ रही है, सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले दे नाल संबंधित। मूसेवाला कतलकांड दे दो मुलजमान की अज पेशी हुई है, तो इस पूरी पेशी तो बाद की कुछ सामने आया वह भी तुहानू दस दें। अंकित सेरसा ते सचिन पिवानी की मानसा अदालत में पेशी हुई, तो उस तो बाद मानसा अदालत ने दोहां नूं 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजण दे हुकम जारी कर दिए ने, जिसका मतलब यह हुंदा है कि हुण 10 अगस्त को मुड़ तो दोहां की पेशी होगी। सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले दे विच मुख मुलजम ने अंकित सेरसा ते नाले सचिन पिवानी, जिन्हां दी मानसा अदालत में अज पेशी हुई है, तो उस तो बाद मानसा अदालत ने नवे हुक्म जारी कर दिए ने। तो अदालत ने दोहां नूं, यानी कि अंकित सेरसा ते नाल ही सचिन पिवानी नूं, दोहां नूं 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुकी है। उस तो बाद हुण दोहां दी 10 अगस्त को मुड़ तो पेशी होगी। कुछ ऐसी तस्वीर जो निकल के सामने आई हैं वह भी तुहाड़े तक लगातार पहुँचा रही हैं। तुहानू दस दिए कि इस पूरे मामले दे विच केवल अजे एक ही मुलजम है जो पुलिस की गिरफ्त तो बाहर है। दो जरूर एनकाउंटर दे विच मारे गए ने, तो बाकी सारे पुलिस की हिरासत में ने, तो उन्होंने उत्ते जांच पड़ताल चल रही है, पर अजे भी दीपक मुंडी पुलिस की गिरफ्त चो जरूर बाहर है। तो इसे मामले तहत मूसेवाला कतलकांड के दो मुलजमान की अज मानसा कोर्ट में पेशी हुई है। अंकित सेरसा ते नाले सचिन पिवानी नूं हुण 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। नवदीप बने हुए ने इस खबर से, उन्होंने रुख कर लें। नवदीप, जानकारी चाहवेंगे तुहाड़े तो कि अज जो पेशी हुई, पेशी के दोहां गुटां दे वलों की कुछ पक्ष रखे गए, यानी कि इन्हां दे वकीलों दे वलों की कुछ कहा गया, तो दूसरे पासे की कुछ तर्क रखे गए, क्योंकि हुण 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिता गया है। बिल्कुल, मैं भी दसना चाहूंगा कि अंकित सेरसा ते सचिन पिवानी 13 दिन के रिमांड तो बाद जो पुलिस रिमांड खत्म होया था, मेडिकल करवाया गया, मेडिकल करवाने तो बाद अदालत में पेश किया गया, जिथे जे पुलिस वालों जो सारे तर्क दिए गए भी इन्होंने किस तरह जरा सिद्धू मूसेवाला कतल घटना अंजाम दिता है, और जो जो कुछ बरामदगी हुई है उस बारे बहस की गई है, और क्योंकि 13 दिन हो चुके थे और मानसा पुलिस की भी प्रेफरेंस थी इन्होंने अदालत जुडिशियल रिमांड पर भेजा जाए, और अदालत ने 14 दिन के न्यायिक हिरासत जरा इन्हों भेज दिता गया, और 10 अगस्त को जो मुड़ इन्हों की पेशी होगी। जी जी, ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडा नवदीप इस तमाम जानकारी दे लई। मूसेवाला कतलकांड के दो मुलजमान की अज पेशी हुई है। अंकित सेरसा ते नाले सचिन पिवानी नूं मानसा अदालत ने नवे हुक्म जारी करने तो बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिता है। अगे वधदे हां ते हुण गल करदे हां, कुछ तस्वीरां तुहाडे नाल सांझियां करांगे सिद्धू मूसेवाला दे पिता दियां, जो बेहद ज्यादा भावुक नजर आए। दरअसल सिद्धू मूसेवाला दे पिता ने अपने पुत्र दा हुण टैटू बनाया। जी हाँ, जिथे पूरा का पूरा पंजाब पूरा सिद्धू मूसेवाला दे रंग दे विच रंगिया हुआ नज़र आ रहा है। कई नौजवानों के वलों सिद्धू मूसेवाला दे टैटू बनवाए गए अपनी बाहां ते, अपनी छाती ते। इस सब विचकार सिद्धू मूसेवाला दे पिता बलकौर सिंह भी पिछे नहीं रहे ने। बकायदा अपने पुत्र नूं याद करदिया होया उन्होंने वलों, बलकौर सिंह दे वलों अपने पुत्र का टैटू अपनी बाह ते बनवाया गया। कुछ तस्वीर भी बकायदा उन्होंने वलों सांझियां कीतियां गईयां ने। उस वक्त की तस्वीर है जदों सिद्धू मूसेवाला के पिता बेहद ज़्यादा भावुक होकर अपने पुत्र का टैटू बनवा रहे। टैटू बनवाउन दी तस्वीर बकायदा उन्होंने वालों साझिया की गई। पूरा का पूरा पंजाब सिद्धू मूसेवाला के रंग के रंगिया होया है। बकायदा तुसी देख सकते हो कि मूसेवाला की तस्वीर अपने पिता के नाल भी लगी हुई है, जिथे बलकौर सिंह लेटे हुए ने, तो नाल अपने पुत्र की तस्वीर लैके तो अपनी बाँह उत्ते टैटू बनवाया जा रहा उन्होंने वालों। हालांकि हुण तां तस्वीरां वह भी देखने मिली जदों कई सूट जड़े ने कुड़ियां दे उन्हां उत्ते भी सिद्धू मूसेवाला दे दा चेहरा छपिया होया देखिया गया, मेहंदी दियां छापां देखियां गईयां। लोग बकायदा, नौजवान बकायदा अपनी बाहां उत्ते टैटू बनवाउंदे होए नज़र आए। तो हुण बलकौर सिंह, जिन्हां ने अपना पुत्तर गवा लिता है, एक वड्डी अणगहली करके सरकारां दी अणगहलियां कही जाण या फिर किस दी अणगहलियां गई जाण, पर उन्हां दे वल्लों जो पुत्तर गवाया गया उह गम तां कदे भी सहाया नहीं जा सकता। पर ये तस्वीर बयान कर रही ने कि किन्ने भावुक ने बलकौर सिंह, तो फिर अपने पिता अपने पुत्र की माफ करना अपने पुत्र की तस्वीर उन्होंने वालों बकायदा बनवाई गई अपनी बाहों पर।
अगे वधदियां ते हुण गल करदे आं चंडीगढ़ दे विच बच्चियां दे लई इक बीमारी मुसीबत दा घर बनदी हुई नजर आ रही है। दरअसल हैंड फुट माउथ HFM डिसीजेस फैलन कारण कई स्कूल बंद कर दिते गए ने। इसका नाम बकायदा है हैंड फुट माउथ डिसीजेस, जो लगातार बच्चों विचकार फैल रही है, जिस तों बाद स्कूल प्रशासन भी बेहद ज्यादा चिंतित नजर आ रहा है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਟਰ 47 ਦੇ ਮਾਊਂਟ ਕਾਰਮੈਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਘਟਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਕੁਸ਼, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ HFM ਹੈਂਡ ਫੁੱਟ ਮਾਊਥ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਲਾਸਿਸ। ਬਿਲਕੁਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਖਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਫਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਗਏ ਜੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੋ ਸਕੂਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟ ਕਬੀਰ ਸਕੂਲ ਹੈ 26 ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 70-40 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 47 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਊਂਟ ਕਾਰਮਲ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੱਛਣ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਪੁਸਟ ਫੁੱਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਹਦ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਕੁਸ਼ ਇਸ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅੰਕੁਸ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੇਹਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਤੇ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਰੁਕਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।